फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि एप्पल ने आईफोन के 4 वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं, कि जिसमें से आईफोन 16 प्रो मैक्स सबसे महंगा होने वाला है, जिसकी कीमत करीब 1,45,000 रुपये होने वाली है। दूसरा होगा आईफोन 16 प्रो, जिसकी कीमत करीब 1,20,000 रुपये होने वाली है। और आईफोन प्लस होगा, जिसकी कीमत करीब 90,000 रुपये होने वाली है। और आईफोन 16 होगा, जो 16 होगा उसकी कीमत करीब 80,000 रुपये होने वाली है। फ्रेंड्स, आईफोन ने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1,44,900 ऐसे सभी वेरिएंट की प्राइस रखी है 900। तो फ्रेंड, इसके डिटेल के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। देख सकते हैं, इसमें से 3 वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 256 GB, 512 GB और 1 TB के साथ होगा। 1 TB वाले फ़ोन की बात करें तो वो लगभग आपको 1,85,000 रुपये का मिलने वाला है। फ़ोन के फीचर की बात करें तो फ़ोन में आपको डुअल सिम 3G, 4G, 5G, VoLTE, वाईफाई, NFC मिलने वाला है। और एप्पल का A13 Pro आपको चिपसेट देखने को मिलेगा। हेक्सा कोर प्रोसेसर होगा और बेस वेरिएंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 1,45,000 वाले फ़ोन की, इसमें होगा आपके 256 GB इंटरनल मेमोरी। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.9 इंच का डिस्प्ले होगा, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट पे काम करेगा। और कैमरे सेटअप की बात करें तो इसमें ट्रिपल कैमरा मिलेगा, जिसमें से 48 48 पिक्सल के 2 कैमरे और तीसरा जो कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल का होगा। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट भी 12 मेगापिक्सल का होगा। मेमोरी कार्ड नहीं सपोर्ट करेगा, OIS का वर्जन 18 काम करेगा। FM रेडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके स्पेक्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि फ़ोन में क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फ़ोन का वेट होने वाला है 227 ग्राम का, जो कि आपको पता है कि यहाँ अभी हम आईफोन 16 प्रो मैक्स की बात कर रहे हैं। और इसकी थिकनेस होने वाली है 8.3 mm की। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले होगा 6.9 इंच का और OLED स्क्रीन होगी। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में देख सकते हैं आपको सभी तरह का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा। डायनेमिक आइलैंड डिस्प्ले मिलेगा, डॉल्बी विजन के साथ, HDR10 का। और इसके कैमरे सेटअप की बात करें तो इसके कैमरे में ट्रिपल कैमरे आए, जो कि OIS कैमरा होगा 48 48 और 12 मेगापिक्सल का, और जिससे आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 4K और 120 FPS का वीडियो। और फ्रंट का होगा 12 मेगापिक्सल का, इससे भी आप 4K का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेक्निकल बात करें तो हेक्सा कोर प्रोसेसर के साथ एप्पल का A18 Pro चिपसेट आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ का 5.3 मिल जाता है और वाईफाई NFC मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो फास्ट चार्जिंग मिलेगी, जो कि 25 वाट का सपोर्ट करेगी। इसमें आपको 3.5 mm का जैक और FM रेडियो देखने को नहीं मिलेगा। और डिटेल्स हम इसके स्पेक्स के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक eSIM मिलेगी और एक नैनो सिम मिलेगी। डुअल सिम होगा GSM का। फ़ोन का वेट थोड़ा भारी होने वाला है, 227 ग्राम का फ़ोन होने वाला है। इसमें 3 कलर आएंगे, सभी टाइटेनियम का रहेगा, ब्लैक और वाइट नेचुरल और डिसेट कलर रहेगा। इसमें इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 19.5:9 का आपको एक्स रेशियो देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को बोलें तो इसमें आपको 91.4% का मिल जाएगा।
इसमें आपको ग्लास टाइप की बात करें तो आपको सिरेमिक सॉलिड ग्लास मिल जाएगा। और इसमें देख सकते हैं, इसमें फीचर्स की बात करें तो फीचर्स आपको भरपूर फीचर्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्वार्ट्ज वाट नहीं मिलेगा, जिससे आप कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। इसमें 5G के बहुत सारे आपको बैंड देखने को मिल जाएंगे।